अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। जामबाग डिवीजन के कैंडिडेट इफ्तिखार नामपल्ली के एरिया में जब दौरा कर रहे थे, देवड़ी की मस्जिद के पास एक MIM का गुंडा जिसका नाम जमील है, ये आकर इफ्तिखार को वार्निंग दे रहा है कि इलेक्शन मत लड़ो। आप बोलिए भाई ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बोलिए आप ये गुंडागर्दी है, क्योंकि हर एक को हक है भाई इलेक्शन लड़ने का, आखिर रोकने वाला होता कौन? ये तो इत्तेफाक की बात है कि इंस्पेक्टर हबीब नगर शिवा चंद्रा ने मौके पर आकर इस गुंडे को ढकेलते हुए वहां से लेकर चले गया। अगर हम सच्चाई बता रहे तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा। अब ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है ये बताइए? क्या भाई वो बेचारे को हक नहीं है? आप जाकर नामपल्ली में जामबाग डिवीज़न में दरियाफ्त कर लीजिए कि ये मोहम्मद इफ्तिखार कितने काम किया है और हमेशा अवाम के बीच रहने वाला भाई, क्या इसको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? क्या आप ही इलेक्शन लड़ेंगे और आपके लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे? ये गलत बात है। आज MIM बोकलाट का शिकार हो गई है, हर जगह कैंडिडेटों पर हमले कर रही है और न्यूज़ एंकरों को गालियां दे रही है। ज़रा होश में आओ और आप देखिए, अब इस छोटे से इलेक्शन में अमित शाह आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आई है, ये क्या है? ये सब आपको डराने वाली बातें हैं। क्यों? कि आज MIM बोकलाट का शिकार हो गई है, MIM जाकर बिहार में BJP को जिताई है, तो अब उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी यहाँ पर आए और MIM को जिताए। अब ये इतने बड़े बड़े लीडर इतने छोटे इलेक्शन में आने की वजह ये है कि हमारे भाई डर जाएं और डर कर फिर MIM को ही वोट दें। अरे ज़बरदस्ती है भाई, गुंडागर्दी है ये। और पुलिस जो काम कर रही है, मैं सलाम करता हूँ उस हबीब नगर के इंस्पेक्टर को जिन्होंने बर वक्त आकर इस गुंडे को वहाँ से हकाल दिया, वरना मोहम्मद इफ्तिखार ये एक शरीफ आदमी है, ये गुंडों से कैसे लड़ेगा? आप देखिए, आपको BJP से डराकर MIM वोट लेना चाह रही है और जो आपके दरमियान में रह के काम करने वाले हैं उनको वोट डालने नहीं दे रही है, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है ये? और हमें भी धमकी दे रहे हैं, दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अभी इनकी A टीम आने वाली है इतवार को, A टीम आकर गाली गलौज करेगी इनको, तो आप जज्बात में आ जाओगे, आकर फिर इन्हीं को वोट डालोगे, ऐसा सिचुएशन ये बना रहे हैं। अब इफ्तिखार का कसूर क्या है? क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ना? बोलिए आप, इससे दूसरी बार उसको धमकियां आ रही हैं। हमें तो ये शक है कि ये बेचारे पर इलेक्शन के दिन हमला ना हो, क्योंकि ये गुंडे हैं, ये तो बेचारा शरीफ है। अब पुलिस का काम है इसकी हिफाजत करें। देवड़ी की मस्जिद के पास ये MIM का गुंडा किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है, अब हम सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई बताने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। हम हमारी जान की परवाह नहीं करेंगे, अगर हम मर भी गए तो हमें कोई गम नहीं है, MIM के गुंडे हमें धमकाने से हम डरने वाले नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हम तो क्या बोल रहे हैं उनको, हम भी कुछ नहीं बोल रहे हैं।
जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज आपकी आवाज़।